कांग्रेस पार्टी द्वारा जालौर सिरोही लोकसभा सीट पर घोषित उम्मीदवार रतन देवासी ने कहा कि क्षेत्र के विकास को लेकर उनकी पहली प्राथमिकता होगी। रतन देवासी जालौर के राजीव गांधी भवन में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार में जन कल्याणकारी योजना को आम जन तक पहुँचाया जाएगा। मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया था, अब फैसला लेना हाईकमान के हाथ में। हाईकमान ने जो फैसला लिया उसको मुख्यमंत्री जी ने भी स्वीकार किया है, सभी लोगों ने स्वीकार किया है, प्रत्याशी मैदान में उतर गए हैं और सब कुछ अच्छी शांति तरीके से रहे। सर, कांग्रेस की ओर से फीडबैक बहुत पहले ले लिया गया था, लेकिन भाजपा ने पहले लिस्ट जारी कर दिया और कांग्रेस को काफ़ी समय लगा। देखिए, जब उसके बाद सूची नॉमिनेशन नोटिफिकेशन 2 तारीख से होने वाला है, 2 तारीख से नोटिफिकेशन होगा और 2 से 9 के बीच में फॉर्म भरने की कार्रवाई होती है। उससे पहले उस दरमियान भी पार्टियां अपनी जो है वो करती है। भाजपा की भी एक सूची अभी बाकी है, कहीं से इसके पीछे भाजपा ने ये किया कि भाजपा के अंदर लड़ाई थी वर्तमान सांसदों को उतारना नहीं उतारना, क्योंकि उनकी भी बहुत ज़्यादा खिलाफत थी। पार्टी ने फैसला किया होगा कि बहुत ज़्यादा खिलाफत हो रही है तो वर्तमान को उतार दो। तो आपने जो भी देखा होगा, भले जालौर का मसला हो, जोधपुर का मसला हो, कहीं बार काफ़ी जगह है, पाली का मसला है, सभी जगह पे उन्होंने लगभग अपने सिटिंग एमपीज़ को उतारा। कांग्रेस पार्टी ने मंथन करके फीडबैक लिया है, कार्यकर्ताओं से लिया, नेताओं से लिया, शक्ति प्रोजेक्ट के माध्यम से फीडबैक लिया, सबसे बार बार बात की, किसी को किसी के बारे में कोई बात कहनी थी तो वो सुनी, पर सारी चीज़ों की जानकारी लेने के बाद में होमवर्क किया है। लोकसभा आम चुनावों के लिए जिले के सभी 5 विधानसभा मुख्यालयों पर पीठासीन अधिकारियों एवं प्रथम मतदान अधिकारियों के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शुक्रवार से प्रारंभ हुए। संसदीय क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी महेंद्र सोनी ने बताया कि जिले में 29 अप्रैल को होने वाले लोकसभा आम चुनावों के लिए सभी 5 विधानसभा मुख्यालयों पर पीठासीन अधिकारियों एवं प्रथम मतदान अधिकारियों के निर्धारित कार्यक्रम के तहत 2 दिवसीय प्रशिक्षण शुक्रवार से प्रारंभ हुए, जो कि आगामी 6 अप्रैल तक अलग अलग चरणों में आयोजित होंगे। उन्होंने बताया कि जालौर विधानसभा मुख्यालय पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र नगर में, आहोर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में, भीनमाल में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में, रानीवाड़ा में पंचायत समिति परिसर में तथा सांचौर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मोकूपुरा में प्रशिक्षण आयोजित हुए। जालौर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत जालौर नगरीय क्षेत्र में चल रथ के माध्यम से ईवीएम व वीवीपैट की कार्यप्रणाली की जानकारी देकर मतदाताओं को जागरूक किया गया। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को चल रथ के माध्यम से प्रभारी हितेश दवे व मनोज दवे ने जालौर शहर में जैन बोर्डिंग के सामने, बैंक कॉलोनी, LIC परिसर, शिवाजी नगर, पोस्ट ऑफिस परिसर, ब्रह्मा कुमारी संस्था के पास व आहोर चौराहे आदि क्षेत्रों में मतदाताओं को ईवीएम व वीवीपैट के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया समझाकर मतदान के प्रति जागरूक किया। इसी प्रकार सूचना केंद्र में स्थापित स्थैतिक ईवीएम व वीवीपैट केंद्र पर स्वीप कार्यक्रम के तहत ओम प्रकाश व हीराराम सोलंकी ने मतदाताओं को जागरूक करने व भयमुक्त मतदान करने की अपील की। साथ ही ईवीएम व वीवीपैट से मतदान की प्रक्रिया बताकर 29 अप्रैल को लोकसभा आम चुनाव में मतदान करने का आह्वान किया।